हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के कोलकाता की रेस की। 26 अक्टूबर 2023 कोलकाता रेस, कल डर्बी रेस है। 8 रेसेस बनाई हैं, कार्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है। होप कार्ड के अकॉर्डिंग रेस हो। तो चलिए बात करते हैं कल के कोलकाता के फर्स्ट रेस की। द बैड ब्रिक्स विन योर लक हैंडीकैप, हॉर्स रेटेड 1 to 26, क्लास 5 की, 1100 मीटर की रेस है, 1 बजे। छह घोड़े थे, एक घोड़ा विड्रॉ हो गया, अभी 5 घोड़े हैं। आई थिंक एक नंबर फेवरेट खुलेगा, एक्स्ट्रा वजेंटा स्टार। देखो, बहुत दिन से घोड़ा ट्राई हो रहा है लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं है, और मैं इसके साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। अभी ब्लिंकर ऑन कर रहे हैं, सॉरी बास्केट भी डाउन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं सॉरी। तो ये घोड़े पर एक्सपेरिमेंट चल रही है, देखते हैं कब परफॉर्म करता है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। अभी मुझे ये घोड़ा नहीं पसंद है, ट्रैक भी इसका कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 6 टिकर, जो कि रूपल सिंह फॉर इन प्लेस। लास्ट टाइम थैलेम्स के पीछे अच्छा रन था, मतलब फ्रंट रनर है और स्टार्ट टू फिनिश अटेम्प्ट हुआ था। अभी शूज चेंज कर रहे हैं और सेम जॉकी है, ट्रैक भी अच्छा है। आई होप कि घोड़ा जीते। अब इचुए खेलो, घोड़ा 1-2 में होना चाहिए। फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 5 6 टिकर, जो कि रूपल सिंह फॉर इचुए इन प्लेस। घोड़ा जीतना चाहिए यार, मतलब लास्ट रन के अकॉर्डिंग अगर फ्रंट पकड़ के भाग गया तो ये घोड़ा कल जीत सकता है। मैं बिल्कुल इचुए चांस लेना पसंद करूंगा इस घोड़े के ऊपर। एक्स्ट्रा वजेंटा स्टार मेरे समझ से अभी परे है, मैं अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। ट्रेनर कर रहा है लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं सेकेंड रेस, द बैड ब्रिक स्प्रिंट हैंडीकैप, 4 हॉर्सेस रेटेड 41 to 66, रेटेड 21 to 46, एलिजिबल क्लास 3 की, 1200 मीटर की रेस है, 130 को। 4 घोड़े हैं, 1-2 की बैट है। नो डाउट एक नंबर फेवरेट खुलेगा, पता नहीं क्या भाव, 35 पैसा 40 पैसा कुछ भी खुल सकता है, भाव तो मिलेगा नहीं नो डाउट। देखो, फेवरेट के अगेंस्ट कुछ भी खेलना एक रिस्की हो जाता है कि यार फेवरेट आता है तो कुछ दूसरा घुस जाता है। तो एक और दो के बीच में रेस लग रही है लेकिन मुझे 2 नंबर नहीं पसंद है। लास्ट टाइम रूपल सिंह चलाया था स्टील शूज़ में, अभी शूज़ चेंज कर रहे हैं लेकिन अभी मुझे ये घोड़ा नहीं पसंद। फर्स्ट तो फेवरेट जीतना चाहिए, नो डाउट। सूरज ये घोड़े को नहीं पिटा सकता, किसी भी हाल में नहीं पिटना चाहिए हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग। मुझे जो प्लेस में पसंद है, सेकेंड रेस हॉर्स नंबर 3 सेल्टिक हेल क्वीन, जो कि सुजीत कुमार पासवान फॉर प्लेस। मोक दिया है घोड़े ने और लास्ट टाइम फॉर्म में था, काम कंटिन्यू दे रहे हैं, मतलब हर दिन लगातार काम दिया हुआ है तो प्लेस बनता है। आई थिंक अगर सेकंड प्लेस कोई आएगा तो ये 3 नंबर ही आ सकता है। तो सेकंड रेस हॉर्स नंबर 1 लॉन्ग लीस्ट, जो कि सूरज नायडू फॉर विन, और हॉर्स नंबर 3 सेल्टिक हेल क्वीन, जो कि सुजीत कुमार पासवान फॉर प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द बैड ब्रिक्स लाइव स्पोर्ट्स गेमिंग हैंडीकैप, हॉर्स रेटेड 41 to 66, रेटेड 21 to 46, एलिजिबल क्लास 3 की, 6 घोड़े हैं। तीन नंबर फेवरेट खुलेगा बर्मिस, लास्ट टाइम सूरज ने जिताया था, बहुत ही इंप्रेसिवली जिताया था टॉप वेट में। पसंद है मुझे घोड़ा लेकिन क्यों ये इक्विपमेंट चेंज हो रही है आई डोंट नो। मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 2 हॉरस द ग्रेट, जो कि सुजीत कुमार पासवान फॉर इन प्लेस। अभी स्टॉन्गस्ट्रैप ऑन कर रहे हैं और लास्ट टाइम मतलब लास्ट बैंड पर थोड़ा सा इंटरफेरेंस हुआ था घोड़ा, और घोड़ा सेकंड हुआ था। तो एक तो फर्स्ट रन था, ऊपर से थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया तो घोड़ा सेकंड लगा है जीन लफेट के सामने। अभी जीतना चाहिए, आप इचुए खेलो इसको। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 2 हॉरस द ग्रेट, जो कि सुजीत कुमार पासवान फॉर इन प्लेस।
बर्मिस भी है, रेस तो 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन मैं 2 के साथ जाऊंगा क्योंकि घोड़े ने ऑलरेडी बहुत दिन से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, कल जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कल जीतना चाहिए। बर्मिस देखते हैं यार क्या करता है, मैं 2 के साथ ही जाना बेटर सेफ समझूंगा। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 2 हॉरस द ग्रेट, जो कि सुजीत कुमार पासवान 4 इन प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द बैड ब्रिक्स 5.5 हैंडीकैप, हॉर्स एट 21-46 रेटेड, 1-26 एलिजिबल, क्लास 4 की 1100 मीटर की रेस है। 2:30 को 9 घोड़े हैं, सिंगली घोड़ा लेकर चलते हैं। हॉर्स नंबर 7 डांस अलोंग, जो कि ट्रेवर फॉर विन, ये घोड़ा जीतना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, जीता हुआ है सीजन के फर्स्ट रन पे और लास्ट गैलेक्टिकस के पीछे चौथा लग गया, वो डिस्टेंस नहीं था, तो अभी 1100 मीटर पे आया है। अब थोड़ा फील्ड के अकॉर्डिंग तो 1 आउट रेस है। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 7 डांस अलोंग, जो कि ट्रेवर फॉर विन प्लेस, फेवरेट खुलेगा, जीतना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द बैड ब्रिक्स ऑनलाइन हैंडीकैप, 1100 मीटर की रेस है। हॉर्स एट 61-86 रेटेड, 41-66 एलिजिबल, क्लास 2 की 3 बजे। 8 घोड़े हैं, देखो यार 7 नंबर 2 बार जीता हुआ है क्लास 4 क्लास 3, बहुत इम्प्रेसिवली दोनों बार सूरज ने जीता है, अच्छे टाइमिंग में लास्ट टाइम जीता है 6.64। अभी कुलदीप सिंह को बिठाया है, ये सरप्राइज पैकेज है सबके लिए कि यार सूरज तो है इधर, तो फिर कुलदीप सिंह क्यों बैठा है इसके ऊपर, ये मेरे लिए आपके लिए सबके लिए सरप्राइज है। लेकिन अभी घोड़ा ना फॉर्म में है, और जब कोई घोड़ा फॉर्म में होता है ना तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हैंडीकेपिंग की स्ट्रेटेजी है कि जिस हिसाब से घोड़ा फॉर्म में है उस हिसाब से इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, यही घोड़ा जीतना चाहिए, चाहे कुलदीप सिंह बैठा हो या सुजीत कुमार पासवान। घोड़ा जिस हिसाब से फॉर्म में है और जो रन है घोड़े के दोनों बार, उस हिसाब से तो घोड़ा नहीं आना चाहिए। अब कुलदीप सिंह को क्यों बिठाया है, खाने के लिए या उड़ाने के लिए, आई डोंट नो, लेकिन घोड़ा तो यही जीतना चाहिए यार। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 7 गुड टिप, जो कि कुलदीप सिंह फॉर विन, यही घोड़ा जीतना चाहिए। आई डोंट नो क्या भाव खुलेगा, जो भी भाव खुले यार, हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग तो यही घोड़ा ही बनता है जिस फॉर्म में है घोड़ा। आई थिंक ओट्स के लिए बिठाया हुआ है शायद, पंडर कंफ्यूज हो कि कुलदीप सिंह ना बनता हो, लेकिन फिर भी यार हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग नहीं हारता ये घोड़ा। अब बात करते हैं सिक्स्थ रेस द बैड ब्रिक्स कोलकाता मानसून कप, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 2000 मीटर की रेस है। 3:30 को यहाँ पर भी 4 घोड़े हैं, एक नंबर स्टार इज बॉर्न आउट ऑफ फॉर्म, घोड़ा स्ट्रगल कर रहा है प्लेस के लिए, लास्ट टाइम प्लेस आउट हो गया था, सेंटोरिनी भी इसको प्लेस से आउट कर दिया था, तो मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं कंसर्न करूँगा कि घोड़ा फॉर्म में नहीं है, एक तो आउट ऑफ फॉर्म है और घोड़ा आई थिंक फिट नहीं है, उसका रन बहुत ही बैड, बहुत ही बकवास है, मतलब लास्ट टाइम भी मैं देख रहा था बिल्कुल बकवास। मैं सिंगली घोड़ा लेके चलता हूँ और इस घोड़े को मैं कभी नहीं भूल सकता यार, 2 नंबर थर्ड वेन्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग, जो इन्फो आया था मेरे पास इसका, मैं इसको कभी भूलना भी नहीं चाहूँगा। और देखो इस फील्ड में इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं पिटना चाहिए, घोड़ा ट्रेवर बैठा है, अक्षय नहीं है इसके लिए शायद ट्रेवर बैठा है, तो ये 1 हॉर्स रेस है क्योंकि घोड़ा बेंगलोर में 2 बार जीत के आया है बिल्कुल, तो मैं ऐसे घोड़ों पर बिल्कुल रेकनिंग करता हूँ कि जो घोड़ा अदर सेंटर में जाके अच्छा परफॉर्म करके आए। तो सिंगली घोड़ा लेके चलते हैं सिक्स्थ रेस हॉर्स नंबर 2 थर्ड वेन्यू, जो कि ट्रेवर फॉर विन प्लेस, सॉरी फेवरेट ही खुलेगा, मेरे हिसाब से नहीं हारता इस घोड़े को, हारना भी नहीं चाहिए किसी भी एंगल से, अब चोरी होगी तो कुछ अलग बात होगी। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस द बैड ब्रिक्स कोलकाता मानसून डर्बी ग्रेड 2 2023 ग्रेड 2 और इंडियन हॉर्सेस 3 ईयर ओल्ड ओनली, 2000 मीटर की रेस है, 4 बजे।
छह घोड़े हैं, वांटो की बैट है। देखो कंक्लूजन नहीं है, एक नंबर की पेडिग्री नहीं जाएगी 2000 मीटर। अब चली गई तो अलग बात होगी, लेकिन जो हैंडीकैपिंग है, जो पेडिग्री का एनालाइज है, वो उसके हिसाब से एक नंबर नहीं जाएगा। जितना मैं 2 नंबर का पेडिग्री के बारे में जानता हूँ, 2000 मीटर नहीं जा सकता ये घोड़ा। और अगर आपको दिख रहा है कि डर्बी में थर्ड लगा हुआ है, तो वो थर्ड इसलिए लगा था क्योंकि उस दिन सिंथेसिस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और घोड़ा चौथा लगा था। और मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 2 नंबर प्लेस आउट हो जाए, सेकंड भी ना लगे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि इसकी पेडिग्री नहीं है 2000 मीटर की। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखो कुछ खास किया नहीं है घोड़े ने, इसके ऊपर चांस भी लेना बकवास है। क्योंकि अगर आप देखोगे, एक बार 1400 मीटर जीता है मुंबई में, उसके बाद बेंगलोर में दोनों रन कुछ खास थे नहीं, एक बार चौथा लगा, एक बार थर्ड लगा, और फिर हैदराबाद गया, फिर हैदराबाद में कुछ नहीं किया, चौथा लग गया। तो अभी ब्लिंकर ऑन कर रहे हैं, मॉक दिया है, मॉक अच्छा है, लेकिन मैं इसके पेडिग्री के बारे में जितना जानता हूँ, ये पेडिग्री 2000 मीटर नहीं जा सकती, ये क्लियर है। बाकी अगर सेटिंग करके सरप्राइज करेंगे कि आज चला गया, तो वो अलग बात होगी, लेकिन पेडिग्री के अकॉर्डिंग ये घोड़ा डिस्टेंस नहीं जाएगी। 3 नंबर विनय जसवाल इग्नोर, और 4 नंबर रेमेल। रेमेल अगर आप देखोगे, 2000 मीटर गया है, एक बार सेकंड लगा है, एक बार ट्रुथ के सामने थर्ड सेकंड हुआ था, हुई प्लॉस हुआ था सुजीत कुमार पासवान से, और फिर दोबारा ट्रुथ के साथ पीछे भागा, 5वां लगा है। अभी इसकी रेटिंग है 47, अभी ट्रेवर को बिठाया है, देखते हैं क्या करता है। 5 नंबर अब इग्नोर करो, देखो सिंगली घोड़ा होना चाहिए। 6 नंबर ट्रुथ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलदीप सिंह को बिठाया है ट्रेनर ने, बिल्कुल जॉकी को चेंज नहीं किया। शायद जॉकी की राइडिंग पर ट्रेनर ओनर कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए जॉकी चेंज नहीं हुआ है और इसीलिए कुलदीप सिंह ही चला रहा है। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा शॉक्ड है कि यार इतने बड़े इवेंट में आप कुलदीप सिंह से राइड चला रहे हो घोड़ों को, जितना बड़ा प्राइज मनी है, तो आराम से आप किसी भी जॉकी को हायर कर सकते थे, लेकिन शायद ट्रेनर ओनर जॉकी के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, उसकी राइडिंग पर ट्रस्ट है उनको, तो शायद उसी के लिए कुलदीप सिंह बैठा है, और शायद ओट्स भी बेटर मिलेगा कुलदीप सिंह बैठने से, आई होप। देखो 2000 मीटर जीता हुआ है, 2 बार मारा हुआ है रमेल को। लास्ट टाइम डर्बी में लास्ट 400 मीटर में क्लियर रन नहीं था, जो कुलदीप सिंह ने मेंशन किया है इंसिडेंट में, तो नहीं तो शायद कुलदीप सिंह और क्लोज आ सकता था सिंथेसिस के पास, क्योंकि सिंथेसिस बहुत ही इम्प्रेसिवली 11 लेंथ मार कर जीता है, तो शायद क्लियर रन होता तो शायद और क्लोज आ सकता था। लेकिन अभी फाइनल एंट्री है और 2000 मीटर जीता हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म में है घोड़ा, मतलब कंटिन्यू बेंगलोर गया था, उधर भी जीत किया है, फिर हैदराबाद आया, फिर हैदराबाद में जीता, डर्बी में लास्ट टाइम क्लियर नहीं था, उसकी वजह से सेकंड लगा है। मतलब यार बहुत ही हर्ट होगा अगर ये घोड़ा हारता है तो मैं सिंगली को हॉर्स लेके चलता हूँ, मैं चौथी बार इस घोड़े को खेलूँगा। 7th रेस हॉर्स नंबर 6 ट्रुथ, जो कि कुलदीप सिंह और विन प्लेस, यही घोड़ा जीतना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस फील्ड में इसको कोई मार सकता है, अब रेसिंग चोरी होगी, सेटिंग की होगी तो अलग बात होगी, नहीं तो फील्ड के अकॉर्डिंग 1 हॉर्स रेस है, क्योंकि एक तो फॉर्म में है घोड़ा, और अगर आप देखोगे सब आउट ऑफ फॉर्म है, कोई भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। 2 नंबर पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट चल रही है इसके ऊपर, कुछ उखाड़ा नहीं है घोड़े ने, अगर फेवरेट होता है तो बिल्कुल ईट करना चांस बनता है इसके ऊपर। 1 नंबर पेडिग्री नहीं जाएगी, 3 नंबर विनय जायसवाल नो चांस, नो चांस नहीं कह सकते, रेसिंग में कुछ हो जाता है। ट्रेवर है लेकिन कुछ खास नहीं है, काम दिया है ट्रेवर ने, देखते हैं। देखो जो घोड़ा फॉर्म में होता है ना, तो फर्स्ट कंसिडर उसी ही होता है, और मैं उसी को लेकर चलता हूँ। 6 नंबर ऑलरेडी कंटिन्यू जीत रहा है, लास्ट टाइम क्लियर नहीं था, उसकी वजह से घोड़ा शायद सेकंड लगा है, नहीं तो शायद सिंथेसिस के पास और क्लोज आ सकता था, तो मैं 6 नंबर के साथ जाऊंगा।
सेवेंथ रेस हॉर्स नंबर सिक्स ट्रूथ जो कि कुलदीप सिंह फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं एट्थ रेस लास्ट रेस द बेट ब्रिक्स माइल हैंडीकैप, हॉर्स रेटेड 21-46 रेटेड 1-26 एलिजिबल क्लास फोर की, 1600 मीटर की रेस है 4:30 को, 8 घोड़े हैं। मैं आपको दो तीन घोड़े के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्योंकि ओपन टाइप ऑफ रेस है, लेकिन फिर भी मुझे एक घोड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि ये घोड़ा जीतना चाहिए। देखो थैलम्स लास्ट टाइम यश नायरू ने जिताया था, मतलब कुछ खास किया नहीं था, एक हुप भी नहीं मारी थी जितना मैं देखा हूँ, और घोड़ा आराम से जीता है क्लास फाइव में। अभी क्लास प्रमोशन कर रहे हैं, निखिल नायडू को बैठा है, देखते हैं, आई थिंक फेवरेट खुलेगा। और हॉर्स नंबर सेवन सेजिटारी जो कि पी ट्रेवर, इसकी पेडिग्री बहुत ऊपर की है, स्टारिया रेड्रिको कॉर्नर स्टारिया है, इसकी जो डेम थी वो 101 रेटिंग की घोड़ी थी और इंडियन डर्बी में सेकंड लगी हुई थी। तो अभी मोक दे रहे हैं, तीन तीन मोक दिया है, एक बेंगलोर में, एक मैसूर में, एक कलकत्ता में। कोलकाता का जो मोक रेस है पी तेजस्वर ने दिया था, लेकिन घोड़ा स्लो निकल रहा है और घोड़ा मतलब डिस्टर्ब है, देखते हैं कैसा रन देता है, होप यहाँ पर सरप्राइज ना करे। पेडिग्री के अकॉर्डिंग तो यार अगर गेट से सही निकलता है तो कोई आसपास ना आए, लेकिन अभी जो मोक दिया है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लेके चलते हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर वन टाइम जो कि पीएस चौहान फॉर इन प्लेस। लास्ट टाइम देखो कुछ इंसिडेंट हुआ था और घोड़ा स्टॉप किया था गैलोपिंग, लेकिन उसका पिछला रन अगर आप देखोगे 1400 मीटर क्लास थ्री में बेंगलोर में वर्ड स्मिथ के पीछे सेकंड लगा हुआ है के नाजिल के नीचे, और उसके बाद क्लास डाउन किया था घोड़े ने, पता नहीं क्यों स्टॉप किया था गैलोपिंग जो रिपोर्ट लिखा है। अभी चौहान को बैठा है, ट्रैक अच्छा जा रहा है यार, इस फील्ड में आराम से जीतना चाहिए, बाकी देखते हैं। अब इचुए खेलो एट रेस हॉर्स नंबर वन टाइम जो कि पी एस चौहान फॉर इन प्लेस। तो कार्ड बहुत इंप्रेसिव है, आप फर्स्ट रेस छोड़कर फर्स्ट रेस बस चांस है यार 6 नंबर, मैं इचुए पर कंसिडर करूँगा, बाकी आप सारी रेस खेल सकते हो, थोड़ा थोड़ा सारी रेस खेल सकते हो, कार्ड अगर चोरी नहीं हुई तो हैंडीकैपिंग रेस हुई तो सारे घोड़े आ जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी आई होप आपका दिन अच्छा जाए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मद्रास की चेन्नई की रेस में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।